असलम वीवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल बीट इंग्लिश टुडे आवर टॉपिक इज़ नाउन नाउन इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एंड वी कॉन्ट मेड एनी सेंटेंस विदाउट नाउन नाउन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच विदाउट नाउन हम कोई भी सेंटेंस ना तो राइट कर सकते हैं ना लिख सकते हैं बट इज़ नाउन एवरी थिंग इन यूनिवर्स विच हैज़ इट्स नेम इज़ कॉल्ड नाउन कोई भी चीज़ दुनिया में जो अपना नाम रखती है वो नाउन कहलाती है लाइक यू एंड मी वी आल्सो हैव आर नेम्स आप और मैं हम भी अपना नाम रखते हैं उन इस वजह से हम भी नाउन्ते हैं दिस इज आ पैन इन माई हैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन बिकॉज इट आल्सो हैज इट्स नेम क्योंकि ये भी अपना नाम रखता है डेट्स वाई इट इज कॉल्ड नाउन लेट्स डिफाइन नाउन द नेम्स ऑफ परसन प्लेस एंड थिंग आर कॉल्ड नाउन अशास जगहों और चीजों के नाम को हम नाउन कहते हैं बी यूज नाउन फॉर नेमिंग एनी थिंग वी कैन सी हेयर टच एंड स्मेल कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं टच कर सकते हैं या सूंख सकते हैं वो नाउन्स कहलाती हैं हेर आर दी एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स ऑफ परसन्स बिलाल, एक्टर टीचर मदर बॉयज नाउन्स ऑफ प्लेसिस हाउस पोर्ट्स लाहौर स्कूल अमेरिका चेयर बुक्स मिल्क चिकन पेंसिल डीज आर दी नाउन्स ऑफ थिंग्स वाई वी हैव टू लर्न नाउन नाउन को आपको क्यों लर्न करना होता है बिकॉज विदाउट नाउन यू कॉन्ट राइट इन इंग्लिश जब तक आपको विकैबलरी नहीं आती होगी आप इंग्लिश के सेंटेंस नहीं राइट कर सकते कोई भी चीज़ जिसका आपने इंग्लिश में नेम लेना होता जब तक आपको उसका नेम नहीं आएगा आप अपनी बात सेकेंड पर्सन तक आगे नहीं पहुँचा सकते दी नेम्स ऑफ आइडियाज़ फीलिंग्स इमोशंस आर आल्सो कॉल्ड नाउन वो चीज़ें जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं ना ही हम सुन सकते हैं वो भी नाउन्स कहलाती हैं हेयर आर दी एग्जाम्पल ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स पीस करेज जॉय ओनेस्टी हैप्पीनेस दीज थिंग्स आर एग्जिस्ट इन दर्ल्ड बट वी कान टच सी एंड हेयर दीज थिंग्स बट वी कैन फील दीज थिंग्स ये चीज़ें भी दुनिया में वजूद रखती हैं लेकिन हम इन चीज़ों को ना तो देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं बट हम इन चीज़ों को फील कर सकते हैं दीज आइडियाज़ फीलिंग्स एंड इमोशंस आर आल्सो कॉल नाउन ये भी नाउन्स कहलाती हैं फर्दर हम इनकी काइंट्स में इनको डिस्कस करेंगे हेयर आर दी ऑफ नाउन कॉमन नाउन Proper noun, countable noun, uncountable noun, collective noun, material, concrete noun, abstract noun, regular noun, irregular noun, possessive noun. These are the 10 kinds of noun. We are going to start discussing each type of noun. Our first kind is common noun. The name विच इज़ कॉमन टू एवरी वन और एवरी थिंग ऑफ इट्स काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन कोई भी आम शख्स और चीज के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं जैसे फादर विलेज बुक ये थ्री वर्ड्स ये एग्जाम्पल्स हर एक के लिए कॉमन है मीन्स के वी डोंट नो द बुक नेम इज वेदर इट इज अ बुक ऑफ इंग्लिश उर्दू मैथ्स अब फादर किसके फादर हैं ये भी नहीं हमें पता मीन्स के किसी के भी फादर अली के फ़ादर उस्मान के फ़ादर किसी के भी फादर हैं उनमें हम लोग ये फादर कॉमन है कोई स्पेसिफ़िक नेम नहीं है जहाँ पर हम स्पेसिफ़िक नेम यूज़ करते हैं वहाँ पर बात आ जाती है प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन सबके लिए एक जैसे होते हैं हेयर आर सेकेंड काइंड प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन को हम इसमें मारफा भी कहते हैं एनी पर्टिकुलर नेम इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउ जो एक ख़ास नाम हो जो सिर्फ़ एक ही पर्सन के लिए एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो द फस्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल फर्स्ट वो कैप फर्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट होते हैं वर्ड होते हैं वो लेटर जो होते हैं प्रॉपर नाउन का वो हमेशा कैपिटल होता है हेर आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउ आर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ पाकिस्तान अगर हम पाकिस्तान लेंगे नेम तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा बट अगर जस्ट हम लोग प्लेस कहेंगे दैन इट विल बिकम कॉमन नाउन अली अली इज़ अ स्पेसिफिक नेम दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन बट पर्सन इज़ अ कॉमन नाउन होली कुरान दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन बट थिंग इज़ अ कॉमन नाउन संडे दिस इज़ अ प्रॉपर डे बट डे इज़ जस्ट अ कॉमन नाउन हेयर इज़ एन एग्जाम्पल आर कंट्री इज़ पाकिस्तान अब इसमें हम बताएँगे इसमें कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा कॉम प्रॉपर नाउन है आप यहाँ पर एरो के थ्रू देख रहे हैं कंट्री इज़ आ कॉमन नाउन एंड पाकिस्तान इज़ आ प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन जो उन कंट्री अब किसी भी कंट्री के लिए ये बात यूज़ हो सकती है अमेरिका के लिए इंडिया के लिए बट पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन ये एक प्रॉपर नाउन है ये हर कंट्री का एक अपना नेम है इसी तरह हर चीज का एक अपना नाम होता है हर शख्स का एक अपना नाम होता है डैट्स वाई हम इस वाली काइंड को प्रॉपर नाउन कहते हैं और थर्ड काइंड इज काउंटेबल नाउन वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंट काउंटेबल नाउन्स यार आर द एग्ज़ाम्पल बुक्स आ कप और काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं अगर हमने इसके सिंगुलर राइट करने होते हैं तो सिंगुलर के साथ हम आ और एन यूज़ करते हैं आर नेक्स्ट काइंड इज़ अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते द नेम्स ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउंस कैन बी मैयर इसको हम काउंट तो कर नहीं सकते लेकिन इस वाली टाइप को हम मैयर कर सकते हैं हम माप सकते हैं हेर आर द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन शुगर बटर वाटर दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज वी कांट काउंट दीज नाउन्स बट स्मोक वॉइस फायर आर आल्सो कोल्ड अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज हम इनको भी काउंट नहीं कर सकते बट वी आल्सो कांट मयर दैम आर नेक्स्ट एजाम्पल इफ कलेक्टिव नाउन क्लेक्टिव नाउन वो नाउन्ते हैं जिनको हम कलेक्टिव जोन्स है जिनका नेम हम कॉल करते हैं जिनको हम मजमू तौर पर जिनका हम नाम लेते हैं द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल एनिमल एंड थिंग्स कोई भी चीज़ जिसको हम ग्रुप में कलेक्टिव उसका एक ही नेम लेते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं हेयर आर दी एग्ज़ाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन आर्मी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर वी डोंट नो हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन दिस ग्रुप हमें नहीं पता कि आठ दस बीस कितने सोल्जर्स की बात हो रही है बट कलेक्टिवली वी आर कॉल्ड इट आर्मी नेक्स्ट एग्जाम्पल ही अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास आर नेक्स्ट एग्जाम्पल ही फ्लॉक अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स अब जब इन तीनों चीज़ों या कोई भी चीज़ जिसको हम ग्रुपिंग में उसका एक कलेक्टिव नेम लेते हैं वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है हेयर इज़ एन एग्जाम्पल आर आर्मी इज अ ब्रेफ आर्मी है तो कितने सारे उसमें सोल्जर्स बट हम उसको एक कलेक्टिव नेम दे रहे हैं आर्मी कह रहे हैं डेड्स वाई हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे इसको हम प्लूरल की फॉर्म में नहीं लेंगे इस टाइप के नाउन को दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन और नेक्स्ट टाइप इज़ मटीरियल कंक्रीट नाउन वो नाउन जो हम टच कर सकते हैं और जो कोई भी उसी चीज़ बनाने के लिए यूज़ होते हैं मटेरियल नाउन कहलाते हैं द नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन टच एंड यूज़ फॉर मेकिंग थिंग्स आर कॉल्ड मटीरियल कंक्रीट नाउन कोई भी चीज़ जो हम छू सकते हैं और जो हम कोई भी रॉ मटेरियल जो हम किसी दूसरे मटेरियल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं हेयर आर एग्जांपल ऑफ इट वुड आयरन मिल्क शुगर दीज आर कॉल्ड मटेरियल नाउंस आर नेक्स्ट काइंड इज एब्सट्रैक्ट नाउन आई ऑलरेडी टोल्ड यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स ऑफ क्वालिटीज फीलिंग्स एक्शंस एंड स्टेट्स विच वी कैन नोट टच और सी आर कॉल्ड एब्सट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें जिसको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं बट हम महसूस कर सकते हैं लाइक क्वालिटीज़ फीलिंग्स एक्शन स्टेट्स दीज आर कॉल्ड एब्सट्रैक्ट नाउन हयर आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्सट्रैक्ट नाउन क्वालिटीज़ क्वालिटीज़ में जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेते हैं तो क्वालिटीज़ लाइक ऑनेस्टी काइंडनेस फीलिंग्स में लेते हैं हम लव हैप्पीनेस हेट एक्शन में हम लेंगे फाइट लाफ्टर स्टेट्स यूथ वेल्थ चाइल्डहुड हेर आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हाउ कैन वी मेक चाइल्ड कॉमन नाउन टू abstract noun it is our first example child child to childhood child is a common noun but childhood is not a common noun this is called abstract noun our second example is friend friend is a common noun but abstract noun is friendship we can touch friend but we can't touch friendship but we can feel this feeling अंड नेक्स्ट टाइप इज़ वेरी ईजी रेगुलर नाउन द नाउन्स हुज प्लूरल इज़ फॉर्म्ड बाई एडिंग एस और ई एस आर कॉल्ड रेगुलर नाउन्स वो नाउन्स जिनके प्लूरल्स एस ओर ई एस पुट करने से फॉर्म्ड होते हैं एस ओर ई एस एस और ई पुट करने से बनते हैं वो रेगुलर नाउंस के लाते हैं दिस इज़ वेरी सिंपल टाइप डे टू डेज मैंगो टू मैंगोज आप देख सकते हैं यहाँ पर डे के साथ एस पुट करने से डेज बन रहा है एंड मैंगो के साथ ई yes पुट करने से मैंगोज उसके प्लूरल फॉर्म्स आ रही हैं दैट्स वाई दिस इज दिस टाइप ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड रेगुलर नाउन और नेक्स्ट टाइप इज़ इेगुलर नाउन द नाउन् हुज प्ल इज फॉर्म्ड बाई चेंजिंग देअर स्पेलिंग्स वो नाउन जिसके प्लूरल जोन से स्पेलिंग चेंज करके बनते हैं वो इरेगुलर नाउंस कहलाते हैं इस टाइप के नाउन् के स्पेलिंग में रेगुलैरिटी नहीं होती हेयर आर द एग्जाम्पल्स मैन मैन आप देख सकते हैं एम ए एन टू एम ई -E एन स्पेलिंग जोनस है वो चेंज हो गए ऑक्स ऑक् ऑक्सिन में भी स्पेलिंग जोन से चेंज हो गए कोई रेगुलरिटी नहीं है फूट फुट फीट फुट से हम लोग कहाँ उसको चेंज किया फीट से यहाँ पर भी रेगुलरिटी नहीं रही और लास्ट टाइप इज़ प्रोसेसिव नाउन प्रोसेसिव आपको पता है कोई चीज़ किसी के लिए हसास होना प्रोसेसिव नाउंस शो ऑनरशिप आप अगर किसी चीज़ के लिए अपनी मलकियत शो करते हैं इस टाइप के नाउन्स को हम पोसेसिव नाउन्स कहते हैं वी फॉर्म देम बाय एडिंग एन एपोस्ट्रॉफी एंड एन एस एपोस्ट्रॉफी साइन ये है और एस ये है एस और एपोस्ट्रॉफी साइन बुट करके हम इस टाइप की पोसेसिव नाउन बनाते हैं बट यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है एपोस्ट्रॉफी जस्ट लिविंग थिंग के लिए यूज होती है एपोस्ट्रॉफी इज यूज ओनली फॉर लिविंग थिंग्स थिंग डॉग्स ईयर्स आर वेरी शॉर्प यानि कि कुत्ते के जो कान हैं वो बहुत तेज हैं डॉग्स ईयरस यूज कर रहे हैं हम लोग डॉग्स इज़ अ लिविंग थिंग डैट्स वाई वी आर यूजिंग प्रोसेसिव नाउन अगर यहाँ पर हम लोग कोई नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम लोग प्रोसेसिव नाउन पुट नहीं कर सकते हमने आज टेन की टेन टाइप्स जो सियाँ वन बाय वन नाउन की डिस्कस कर ली हैं आप लोगों का नाउन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया आई कम्प्लीटेड दिस टॉपिक होप सो यू रियली लाइक इट इफ़ यू लाइक माई वीडियो लाइक एंड शेयर माई वीडियो टेक केयर